डेढ़ डेढ़ फुट के डेढ़ शान। सलमान हैज यू नो प्रमोटिंग एंड सलमान इज बैकिंग अ वेरी डिजर्विंग फिल्म। बड़ा भाई अक्रम, बड़ा दिमाग, इनसाइक्लोपीडिया। सलमान सॉ द फिल्म, फिल्म हैज द एटीट्यूड ऑफ हिज एटीट्यूड। इट्स अ वेरी फियरलेस फिल्म फ्रॉम द हार्ट एंड आई थिंक दैट्स हाउ ही इज। शेरदिल, शाओलिन, गरीब भाई, सेकंड हैंड। अमिताभ बच्चन इज व्हेन ही picks up a gun, you know, ऐसा लगता है कि he means business. बाकी कोई दूसरा एक्टर जो है वो गन हाथ में लेता है तो ऐसा लगता है क्या कर रहे हो, चल जाएगी यार। साइलेंसर के गमाना आएगा, राइटर जो है स्टार के बराबर पैसे लेगा। और जांबाज, जांगिया, जांगिया। आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि मशहूर लेखक सलीम खान साहब हमारे साथ में हैं एंड उसके उनके साथ में है विकास बहल जो कि चिल्लर पार्टी के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड हंगामा पे आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बोले तो बाप इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ी पार कर दिया था, समझी क्या? बड़ी न्यूज़ जो इस वक्त सामने आ रही है, सलीम खान साहब ने डिसाइड किया है, उन्होंने चिल्लर पार्टी उनको बहुत पसंद आई है और वो जंजीर फिल्म की फिल्म फेयर की ट्रॉफी वो विकास बहल को वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। आपने कैसे सोचा कि इतना बड़ा आपने कदम आपने उठाने का? हमने बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म लिखी हैं और बहुत कमर्शियल बड़ी फिल्में लिखी हैं और काफ़ी अच्छी फिल्में चली हैं, मगर वी हैव ऑल्सो लाइक ये जो छोटी छोटी बहुत अच्छे टॉपिक्स पे फिल्में बनती हैं। If you have also liked, when I saw the film, I wanted to be a part of this film. अब ना तो मैंने इसमें राइटिंग की है, I wish I could have written this film or I wish I could have been the producer of this film. So I just wanted to be part of this film very strongly. So I was thinking कि in whatever manner I could help the films to come out and be seen by people, the only way I thought that I could be involved with the promotion of the film. To appreciate such a good film, what do I do? I have had a few awards. तो मैंने इससे पहले एक अवार्ड दिया है वेडनेसडे को, जो मुझे बहुत पसंद आई थी फिल्म और राइटिंग डायरेक्शन का उसको मैंने अवार्ड दिया था और आई फेल्ट दैट इट्स वेरी जेन्युइन अवार्ड। हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? Bastard had the guts to just walk into our lives and blow it apart. It was a Wednesday. अब नाउ इन दीज टू डिपार्टमेंट के बारे में मुझे थोड़ी समझ है, एक राइटिंग एंड डायरेक्शन, एंड राइटिंग एंड डायरेक्शन इज़ अ कॉम्पोजिट डिपार्टमेंट। यू कांट टेक आउट राइटिंग और यू कैन नॉट से कि कहाँ राइटिंग ख़त्म होती है और कहाँ डायरेक्शन शुरू होता है। नो समथिंग अबाउट इट, मेरे को एक इसका रीजनेबल नॉलेज है। तो जब मैंने ये फिल्म देखी तो आई थॉट कि इसमें राइटिंग और इसमें डायरेक्शन बहुत अच्छा है। आई कॉल्ड हिम अप and I wanted to give him one of my awards. So मैं बहुत भारी है, ज़रा देखो उठा की कोशिश कर। And it's a very well deserved award. बिल्कुल बिल्कुल। और तो that's the way I wanted to be a part of the film, that I just wanted to be promote this film, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। And then when Salman saw the film and the other family members saw the film, they also agreed with my opinion, they also joined me कि ये फिल्म के साथ हमें जुड़ना चाहिए किसी न किसी वजह से। फिर इस पर सोचा और इनको बुलाया, इनके साथ डिस्कशन हुआ एंड सलमान सेड दैट वील प्रमोट द फिल्म एंड वी विल पार्ट ऑफ द फिल्म। How does it feel? I think it's a huge honor for you. Your film is still to release, in fact. Yeah. So I think I'm already feeling like it's got released, because when Uncle saw it and the appreciation I got from him, I mean, it can't get bigger and better than that. If your writing is appreciated by someone like him, you're done. And then when Salman saw the film, that also made a huge difference to me, because I think the film has the attitude of his attitude. Sure. You know, it's a very fearless film from the heart. And I think that's how he is. So I thought if he could see a little bit of himself in the film
and therefore adopted, it made a huge difference. So I think the fact that Uncle liked it, Salman liked it, and I would also like to say that I think the key person behind all this was Sohail, who really ensured that everyone watches it and appreciates it, and so he's a big hand in getting the film here. My daughter yesterday told me that Chiller Party dekhne chale hain. Maine kaha abhi lagi nahi hai, next week lagne wali, tab dekhenge. So amongst the kids, I think there is a buzz around the film, and they are looking forward to the film. I'm hoping. Let's hope so. सलमान के हम लोगों ने बहुत से इंटरव्यूज हम लोगों ने किए हैं, लेकिन अभी चिल्लर पार्टी के लिए इंटरव्यू मैंने किया था, और उसमें तीन बच्चे भी थे उसमें फिल्म में उनके साथ में. तो जो मैंने सलमान का आई थिंक पर्सनालिटी इस बार देखा, वो बहुत ही डिफरेंट था. ही वाज वेरी वेरी जिस तरीके से बच्चों के साथ में वो घुल मिल गए थे, और जिस तरीके से वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों बात करें और बच्चों के बारे में बात की जाए, उनके बारे में कम से कम बात की जाए, एक बहुत ही डिफरेंट साइड था सलमान का. एक भोलापन होता है, एक मासूमियत होती है बचपने में, जो कि इन बच्चों में है, जो कहीं ना कहीं लाइफ के एक्सपीरियंस से और एज से वो मासूमियत, वो एक भोलापन, एक वो बोलते हैं ना कि एक मोम का दिल, वो कहीं ना कहीं सख्त होते जाता है. नहीं, वो उसमें एक कंपैशन और एक सेंसिटिविटी टूवर्ड्स सर्टन थिंग्स है उसमें, बचपने से है. बचपने में भी वो जब 8 या 10 बरस का था, तो किसी भी बच्चे को पकड़ के ले जाता था. एक लड़के को लेके आया यहाँ चेम्बई से कि डैडी इसको 300 रुपये चाहिए. बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, और जो जिस उम्र के बच्चे आपकी फिल्म में हैं. मैंने कहा तुझे 300 रुपये किस बात के चाहिए? कहने साहब, मैं यहाँ गर्मियों में बर्फ़ रखूँगा, और ये मछली पकड़ने वाले जो आते हैं और वो उनकी मछली जो नहीं बिकती है वो उसमें रखते हैं, तो वो यहाँ में वो उनके लिए बर्फ़ रखूँगा, उनकी मछलियाँ रखूँगा, और आपका पैसा मैं दे दूँगा गर्मी के बाद. नहीं, मैंने कहा मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ. नहीं नहीं सर, मैं वो बिज़नेस के लिए ले रहा हूँ, आपको पैसा दे दूँगा. इतना सा बच्चा, ये वो स्टॉकिंग के, मैं बिज़नेस के लिए ले रहा हूँ और आपको मैं दूँगा. मैंने उसको 300 रुपये, ये कम से कम बात है 30 साल पुरानी, तो मैंने उसको 300 रुपये ला के, जब मैं इस घर में भी नया नया आया था 1974-75, मैंने उसको 300 रुपये दिए. उसने वो बर्फ़ बर्फ़ का जो भी कुछ बिज़नेस किया, वो मछलियाँ रखता था, वो लोगों की जो नहीं बिकती थी उनको दूसरे दिन फिर बेचते थे वो. ही मेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. उसने मेरे को 3 महीने बाद एक मिठाई के डिब्बे के साथ वो मेरे 300 रुपये ला के वापस किए. आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि ये लड़का जो है, ये तो या तो बहुत ही स्मार्ट है, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है इसका, और या ये बाकी बहुत ऑनेस्ट है. तो आई विल वेट फॉर हिम टू सी कम नेक्स्ट. थोड़े दिन बाद आया वो कि साहब मुझे 3000 रुपये चाहिए. तो मैंने कहा कि ये देखो, अब इसने अपना ये एरिया बढ़ा रहा है. आई वॉन्टेड टू हैव दैट रिस्क. 3000 उस ज़माने में काफ़ी होते थे, तो मैंने क्या करेगा. कहने दिवाली आ रही है, होलसेल पे पटाखे लेके आऊँगा, छोटे छोटे बच्चों के पटाखे, और वो पटाखे जो हैं वो मैं बेचूँगा और यहाँ, और जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, और आपको ऊपर नहीं मैंने कर दिया. मैंने उसका फिर रिस्क लिया और मैंने उसको 3000 रुपये दिए. 3000 रुपये लिए और उसने कुछ पटाखे लेके आया. दिवाली ख़त्म होने के बाद वो मेरे 3000 रुपये वापस लेके आया, और फिर कैसे एक मिठाई का डिब्बा लेके आया. ये बात अरसा गुजर गया. मैं बैंड स्टैंड पर वॉक कर रहा था 2 साल पहले, एक गाड़ी आके रुकी, आया पाँव शेर मुझसे किया, कैसा पहचाना आपने? कहने का शक्ल पहचानी दिख रही है. कहने नहीं, मोहन मोहन मेरा नाम है, जिसको आपने 300 रुपये दिए थे बर्फ़ के लिए, जिसको आपने पटाखे के लिए 3000 रुपये दिए थे. अरे मैंने कहा कैसे हो, क्या है? बातों में पता लगा कि उसके 3-4 फ्लैट हैं, उसके पास गाड़ियाँ हैं, वो स्टेट एजेंट है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ऑल दैट. और मुझे इतनी खुशी हुई कि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट. उसकी जो ग्रोथ का एक पार्ट था वो मुझसे 20 साल बाद मिला. तो ये उसमें है सलमान में कि किसी का कुछ प्रॉब्लम हो या किसी का, तो ही यूज़ टू ब्रिंग इट टू मी. यहाँ जब स्कूल में पढ़ता था तो फादर ने उससे रिक्वेस्ट किया, या जनरली रिक्वेस्ट किया, कि कुछ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो घर खाना खाने नहीं जा सकते, इसलिए कि उनके माँ बाप चले जाते हैं काम पर,
और उनको बहुत कम पैसा देते हैं कि स्कूल में खाना खाने के लिए। तो जो बच्चे घर खाना खाने जाते हैं जो बहुत करीब रहते हैं, तो अगर वो एक एक बच्चे को लेके जाएं तो सलमान ने पूछा कि कितने बच्चे हैं फादर से। तो फादर ने कहा 10-12 बच्चे हैं। तो कह रहे हैं मैं सबको लेके जाता हूँ। और यहाँ आया और उसने मेरी माँ को कहा कि वो बच्चे जो हैं वो आएंगे कल से खाना खाने। वो बच्चे जो आते थे वो यहाँ मस्ती करते थे, खाना खाते थे, ये करते थे, कोक पी रहे हैं, ऑल दैट सब के सब। ए सलमान मैन है, सलमान मैन वेरा यू, सब चलता था यहाँ। तो वो जो स्कूल का जो टाइम था वो उनके जाने तक वो जिप्सी में बैठ के जाते थे। उस वक्त मेरे पास एक जिप्सी भी थी, तो सारे बच्चे उसमें भर के जाते थे सारे बच्चे। तो इट यूज़ टू बी अ राइट लाइक सिचुएशन इन द हाउस। अब वो कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया है, कोई कैनेडा चला गया है, कोई अमेरिका चला गया है। अब वो आते हैं, कभी कभी मिलते हैं, आंटी यू रिकग्नाइज मी, यू यूज़ टू कम एंड हैव फूड हियर, ऑल दैट। सो यू फील वेरी नाइस। इनफैक्ट सर, जावेद साहब ने अभी एक फंक्शन हुआ था लगान का, तो उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि करीबन 20 फिल्म मेकर्स ने जंजीर की स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद फाइनली वो एक्सेप्ट हुई थी। कुछ आप अपने करियर के बारे में अगर बताना चाहें कि आपका इतना बहुत रेयरली यू आर द फर्स्ट पीपल दैट सलीम जावेद का नाम पोस्टर्स पर लिखा जाता था, यू आर द फर्स्ट पीपल इन फैक्ट एंड यू आर चार्जिंग वेरी वेरी हाईली। आई केम टू बिकम एन एक्टर हियर और आई हैड दैट स्टैंडर्ड एजुकेशन जो होता है, बीए एमए की जो एजुकेशन होती है वो थी, मैं पढ़ता था, पढ़ने का मुझे शौक़ था। एक्टर बनने आया और बाद में मैंने कुछ फिल्में के बाद रियलाइज़ किया, पीपल दोज हु आर कनेक्टेड विद दिस मीडियम विल अंडरस्टैंड इट, के बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि आई हैव द आर्ट ऑफ कंसेप्शन, आई कैन कंसीव थिंग्स, आई कैन कंसीव हाउ दिस रोल शुड बी डन, बट आई डिड नॉट हैव द आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन। नाउ आई गिव दैट एग्जाम्पल दैट फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन इज फिजिकली नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट द अमाउंट ऑफ टफनेस ही प्रोजेक्ट्स ऑन द स्क्रीन इज अनबिलीवेबल। वैन ही पिक्स अप अ गन, यू नो, ऐसा लगता है कि ही मींस बिजनेस। बाकी कोई दूसरा एक्टर जो है वो गन हाथ में लेता है तो ऐसा लगता है क्या कर रहे हो, चल जाएगी यार, समझे आप। तो ये होता है, तो देर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ए पर्सनैलिटी। तो आई रियलाइज इट, लॉट ऑफ हैम्स आर स्टिल गोइंग अराउंड, आई रियलाइज इट के एट बेस्ट आई विल बी अ मीडियोकर, आई विल नेवर बी एबल टू रीच द टॉप, आई विल नेवर बी एबल टू बी नंबर वन। तो किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि आप टॉप पे पहुँच सकते हैं। कोई भी आदमी हिमालय पे चढ़ने की इसलिए कोशिश नहीं करता कि आधे रास्ते से वापस आ जाएगा। तो यू हैव टू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा। आई माई सेल्फ रियलाइज इट, मेरे में एक सेल्फ असेसमेंट था कि आई विल नॉट बी एबल टू रीच द टॉप, आई विल नॉट गोइंग टू बिकम दिलीप कुमार मालन मरनो इन दिस डिपार्टमेंट। सो दैट नॉलेज से मेरा उसमें से इंटरेस्ट हट गया। द मोमेंट आई गॉट दिस नॉलेज दैट आई विल नेवर बी एबल टू रीच द टॉप, आई लॉस्ट इंटरेस्ट एज एन एक्टर। बाय दैट टाइम आई हैड ऑलमोस्ट स्पेंड 7 years इन फिल्म इंडस्ट्री। बाहर जो हमारे बाप दादा ने जो किया था, वो पुलिस में जाते थे, IPS में जाते थे, उसके लिए मैं ओवर एज हो गया था, समझे आप। तो क्या करता मैं, आई वॉन्टेड टू यूज़ दैट नॉलेज हियर, पिक्चरें देखता था, पढ़ता बहुत था। तो आई थॉट कि आई शुड बिकम अ राइटर, बट मेरे लिए राइटर बनने का ये प्रॉब्लम था कि वो एक धंधा नहीं चला तो दूसरे धंधे में आ गए। तो बहुत नुकसान होता है कि ये एक फेल्ड एक्टर जो है ये यहाँ आ गए। तो मेरे लिए लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि आए। बट जब मैं राइटिंग में आया तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था, राइटली और रॉन्गली, कि अगर मैं 2% जानता हूँ स्क्रीन प्ले के बारे में तो द नेक्स्ट बेस्ट डजेंट नो इवन 1%। तो मुझे कहीं ना कहीं एक ये कॉन्फिडेंस था, एक इनर कॉन्फिडेंस मुझे था कि मैं इस डिपार्टमेंट में टॉप पे पहुंचूंगा। बल्कि मैं एक राइटर के साथ काम करता था, जब मैंने उनसे कहा कि ज़माना आएगा कि राइटर जो है स्टार के बराबर पैसे लेगा, जो कि आप लोगों ने किया, हाँ, तो वो हंसने लगे, वो कहा कि मेरे सामने तो कह रहे हो, किसी और के सामने कहोगे तो पागल समझेगा। मैंने कहा व्हाई नॉट, तो कहने लगे दिलीप कुमार 12 लाख रुपए लेता है, उस जमाने दिलीप साहब शायद 12 लाख रुपए लेते थे, तो क्या राइटर को 12 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं, अगर कंसिस्टेंटली अगर वो प्रूव करता है कि फिल्म स्क्रिप्ट पर चली है, यह भी फिल्म स्क्रिप्ट पर चली है। देखिए एक मैन ऑफ द मैच होता है ना, कि ये फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा था, 12 टाइम अगर एक म्यूज़िक डायरेक्टर प्रूव कर दे कि इसकी फिल्म जो है म्यूज़िक पर चली है या स्क्रिप्ट पर चली है या परफॉर्मेंस पर चली है, तो वो कहीं ना कहीं डिज़र्व करता है उसमें पैसे लेने के। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं, उसके लिए कंसिस्टेंटली यू हैव टू प्रूव कि भाई ये फिल्म जो स्क्रिप्ट पर चली है। अब पहली फिल्म लिखी थी अंदाज़,
उसमें कोई क्रेडिट नहीं मिली। दूसरी लिखी थी सीता गीता, उसमें कोई क्रेडिट नहीं मिली। तीसरी लिखी हाथी मेरे साथी, उसमें क्रेडिट नहीं मिली। उसके पहले एक और पिक्चर लिख दी थी अधिकार, उसमें कोई क्रेडिट नहीं मिली। जब जंजीर लिखी और जब जंजीर आई तो ना तो इसमें कोई स्टार क्रेडिट लेने वाला था और ना कोई दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट था, म्यूजिकल फिल्म नहीं थी। तो दी होल क्रेडिट वेंट टू के बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, कमाल की स्क्रिप्ट है। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। खैर अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और फिर ये कौन है, इनकी पहली फिल्म है? नहीं, इन्होंने तो हाथी मेरे साथी भी लिखी है, इन्होंने सीता गीता भी लिखी है, इन्होंने तो अंदाज भी लिखी है, इन्होंने तो अधिकार भी लिखी है। वो चारों फिल्म की क्रेडिट आए कि दिस इज नॉट देयर फर्स्ट फिल्म, दे हैव बीन कंसिस्टेंटली राइटिंग हिट फिल्म। तो मेरे बारे में ये मशहूर हुआ कि सलीम जो है वो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, मुझे तो चेंज करना भी नहीं आती है, समझा। तो पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जब हम 1 लाख मांगते थे और बहुत आसानी से प्रोड्यूसर तैयार हो जाता था, तो हम सोचते थे हमें 2 लाख मांगना चाहिए। तो जब हम 2 लाख मांगते थे तो फिर इतनी आसानी से तैयार हो जाता था। तो दैट्स हाउ द प्राइस वेंट अप टू दैट के वो हमने, मैंने तो ये कहा था कि स्टार के बराबर लेगा हमने, तो स्टार से उस ज़माने में, हालांकि ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, वो हमें काम के पैसे मिले, मगर स्टार से ज़्यादा पैसे मिलते थे, ज़्यादा भी आप लोगों को मिले। और कई मरतबा 25% ऑफ़ दी ओवरफ्लो प्रॉमिस करते थे कि अगर प्रॉफिट में जाएगी पिक्चर तो आप 25% ओवरफ्लो भी दीजिएगा। बट काम ऐसा हुआ कि वो काम ने बहुत बैक किया। मोस्ट सेटिस्फाइंग वर्क्स कौन से हैं आपके आज तक के? देखिए हर फिल्म जो है वो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। एक क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि सारी जो सीरियस फिल्में होती हैं वही अच्छी होती हैं। अभी जैसे नाम है या दीवार है या जंजीर है या शक्ति है, ये फिल्मों की बहुत तारीफ हुई, समझा। ये सीरियस फिल्में थी। अगर आप राइटिंग में देखिए तो बाकी की जो फिल्में हैं जो सीरियस फिल्में नहीं है या जिनका जिक्र नहीं होता, उनमें भी राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि जो चली हैं, जैसे कि डॉन है, सीता गीता है, हाथ की सफाई है, ये जो फिल्में हैं ये भी, इसमें दोस्ताना है, ये सारी की सारी फिल्में जो हैं लाइन से कोई 18 फिल्में हैं जिसमें से एक आध एवरेज है और एक आध नहीं चली है। कल बुड्ढा होगा तेरा बाप रिलीज हुई है, अमिताभ बच्चन का जो उसमें एंग्री यंग मैन का आप लोगों ने जो क्रिएट किया था, तो उसमें इनफैक्ट पूरी जगन्नाथ ने आखिर में क्रेडिट भी उस चीज़ को दिया है, दैट वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग यू इन दिस अवतार। एंड आई थिंक बच्चन साहब इज लुकिंग वेरी गुड इन एज एन एंग्री यंग मैन। आपकी पुरानी जो आप लोगों ने फिल्में लिखी थी उसकी याद ताज़ा जाती है, कैसा लगता है कि आपने दैट यू हैव क्रिएटेड वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ ऑल टाइम्स? वो जो कहानी जो गई, इट वेंट टू अ वेरी वेल डिजर्व पर्सन। उन्होंने कई मरतबा अपने इंटरव्यू में ये जिक्र किया है कि ये रोल कोई भी करता तो उसका इफेक्ट यही होता। मैं इससे इसलिए एग्री नहीं करता कि उनकी पर्सनैलिटी की और बहुत ज़रूरत थी, उनका जो पर्सोना बना हो ये फिल्मों के ऊपर, और जो आज तक वही है पर्सोना चल रहा है, तो उसके लिए वो पर्सनैलिटी की बहुत ज़रूरत थी। ऐसा नहीं कि कोई भी करता, अगर ये अगर मिसाल दी जाए या ये आर्ग्यूमेंट दी जाए कि कोई भी करता तो इसका मतलब कास्टिंग डिपार्टमेंट की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब फिल्म शुड बी वेरी प्रॉपरली कास्टेड। शेर खान, अब ना तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। लेकिन जंजीर के लिए आपने जिक्र किया था, आप लोगों ने नाम उनका तजवीज़ किया। मैंने उनको देखा था NCCP के ऑफिस में जी। तो मैंने कहा कि आप इनको साइन कर लो, ही इज गोइंग टू बी अ स्टार वन डे। तो उन्होंने कहा कि आर यू जोकिंग? मैंने कहा नो, आई एम एब्सोल्युटली सीरियस। उसने मुझे कहा भी कि तुम्हारा समझ में नहीं आता कि व्हेन यू आर जोकिंग एंड व्हेन यू आर सीरियस। So I had that kind of a faith and that personality plus his talent also, and finally he proved it. Chiller Party